बिहार में निकाय चुनाव का पहला चरण आज से जारी है। इस बार राज्य में 156 नगर निकायों में चुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए सुबह 7 बजे मतदान प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। इसमें 68 नगर परिषद और 88 नगर पंचायतें शामिल हैं। पहले चरण में 6,965 मतदान केंद्र हैं। नगर पालिकाओं में 7 बजे से लेकर 5 बजे तक चुनाव होगा, जबकि गया जिले में इमामगंज नगर पंचायत में 3 बजे तक चुनाव होगा। शांतिपूर्वक चुनाव कराने को लेकर सुरक्षा बलों को भी लगाया गया है। सुपौल में बहुत सुंदर चुनाव चल रहा है। हम वार्ड नंबर 4 का निवासी हैं। दूसरी बात, सुपौल नगर परिषद जो है बिहार में अभी 1 नंबर पर चल रहा है। बहुत सुंदर व्यवस्था है यहाँ, जो है सुलभ शौचालय बना है, घर घर इंदिरा आवास बना है, मैक्सिमम आदमी को मिनिमम ही बच गया है। इस बार क्या मुद्दा रख रहे हैं? इस बार हम लोग जो है विकास का मुद्दा रखे हैं। विकास बहुत सुंदर हो रहा है। जो अच्छा काम किया उनको बोलिए। नगर परिषद का अध्यक्ष जो वर्तमान समय का है, न लोभी है, न भ्रष्टाचारी है, बहुत सुंदर काम करवा रहा है। ना इनके शासन में गुंडागर्दी हुआ है। पहले के समय में बहुत सुंदर वार्ड पार्षद को जो है सो वार्ड सदस्य के द्वारा ही चुना जाता था, लेकिन इस बार पहली बार जो है सो वोटिंग के तहत उनको चुना जाएगा। तो क्या लग रहा है आपको कि पूर्व के जो है सो वार्ड पार्षद चुन करके आएंगे? निश्चित रूप से वार्ड पार्षद। कहाँ आए हैं अभी? अभी हम गौरवगढ़ हैं, सुपौल में हैं। वोट गिराने आए हैं। क्या मुद्दा है इस बार? भ्रष्टाचार मुद्दा है, स्वच्छ छवि वाला मुद्दा है। जो अच्छा काम करेगा उसको वोट देंगे, यही है। उत्साह है? हाँ, उत्साह है, बहुत उत्साह। हम बहुत उत्साह है। विकास चाहिए हम लोग को। घर घर नल चाहिए, जल चाहिए, नाला चाहिए। यही सब काम जो है जो करता है इसको वोट देंगे हम लोग। सब आदमी मिलकर वोट दे दें।